देखिए, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में फुल तैयारी है और जोरों से प्रचार भी शुरू हो गया। पिछले 31 मार्च को हमने मेरी विधानसभा में एक बहुत बड़ी रैली की है, वो भी एक प्रकार से चुनाव से संबंधित रैली थी, जो कि 5,000 से ज़्यादा की संख्या उस रैली में थी। तो हम ये मान सकते हैं और रैली सक्सेस थी और सफलतापूर्वक वो रैली हुई। इस चुनावी माहौल में इस तरह की रैली होना भी एक ये बात दर्शाता है कि कहीं ना कहीं लोगों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्यार है, स्नेह है। लेकिन कहीं ना कहीं इस चुनाव प्रक्रिया में जो एजेंडे हैं वो गायब हैं, कोई मुद्दे नज़र नहीं आ रहे हैं, उस पर क्या कहना है? ना, मुद्दे तो विकास के मुद्दे हमारे 9.5 साल में हमने केंद्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने जो विकास कार्य किए हैं जनता के हित के लिए, वो सामने हर जनता उस विकास कार्यों के ऊपर अपनी मोहर लगा करके फिर से प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का। भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया, सबसे पहले तो उस पर आपका क्या रिएक्शन? देखिए, संकल्प पत्र अभी हाल ही में जारी हुआ है, तो उसमें हमने 70 साल से ऊपर का जो 5 लाख तक का मुफ्त इलाज किया है, सबसे बड़ी हम उपलब्धि मान सकते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी की, और 5 वर्षों तक एक गरीब परिवार को राशन मिलेगा ऐसा संकल्प पत्र में भी कहा गया है। दूसरा, मुद्रा ऋण योजना है 10 लाख रुपये से बढ़ा करके 20 लाख रुपये तक जो किया है, उसका भी हम कह सकते हैं। सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत भी हम गरीबों को मुफ्त बिजली देंगे और 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को हमने लखपति दीदी बनाने का भी काम किया। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष तो इस घोषणा पत्र को नकारा और वो कहते हैं कि जुमलों का पत्र है, पहले भी भारतीय जनता पार्टी इस तरह के संकल्प लिए थे लेकिन वो धरातल पर आज तक लागू नहीं हुए। देखिए, वो 2014 से कहते आए हैं, विपक्ष कहता है हमने 2014 में भी संकल्प पत्र जारी किया था, हम 2014 में भी हमने सरकार बनाई केंद्र और प्रदेश में, हमने 2019 में भी संकल्प पत्र जारी किया था, हमने केंद्र में और प्रदेश में दोनों जगह फिर से सरकार बनाई और 24 में भी हमने संकल्प पत्र जारी किया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, हम फिर से तीसरी बार केंद्र में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। जैसे ही हम इस चुनाव से के बाद ठीक 95 दिन के बाद 95 डेज आफ्टर तो हम चुनाव में जाएंगे, तो यहाँ प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी के अलावा भी विपक्ष ने अभी तक मैदान में अपने प्रत्याशियों को नहीं उतारा है, उसके पीछे क्या वजह देखे, खासकर कांग्रेस जो आज भी असमंजस में नजर आ रही है? देखिए, विपक्ष के पास उम्मीदवार ही नहीं है, उम्मीदवार विहीन हो गई है कांग्रेस, उसके पास कोई कैंडिडेट नहीं है, उनमें आपस में एक प्रकार से एक दूसरे पर दबाव बनाने के लिए वो कैंडिडेट पर चुनाव लड़ रहे, वो पीछे भाग रहे, इस तरह की स्थिति बनी हुई है कांग्रेस में। मुझे नहीं लगता वो अच्छे उम्मीदवार उतार पाएगी या नहीं उतार पाएगी। हम पूरे जो आश्वस्त हैं इस प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से फिर से यहाँ प्रदेश में कमल का फूल खिलेगा। चुनाव प्रचार के दौरान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जननायक जनता पार्टी के नेताओं को जनता का विरोध देख सहन कर रहे हैं, और इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, इसका मैं मेरे पास ज़्यादा नहीं है कुछ कहने के लिए, ये जनता ने तय करना है, जनता सब जानती है और जनता ने जजपा के साथ हमारा गठबंधन 4.5 साल का रहा है तो वो सब जनता ने देखा है सब। वो इतनी पागल जनता, इतनी बावली जनता नहीं है, वो सब जानती है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का भी एक बयान आया है कि जो चुनाव आयोग है कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के इस तौर पर काम कर रहा है, और चुनाव के दौरान यदि पश्चिम बंगाल में कोई हिंसा घटना होती है तो वह भूख हड़ताल पर चुनाव आयोग के सामने बैठ जाएंगे। आप उनके बयान को इस तरह कैसे? ममता बनर्जी का जो बौखलाहट भरा बयान है वो निराधार है, वो कुछ भी कहे लेकिन ऐसा नहीं है। ये भारतीय संविधान में निष्पक्ष जो चुनाव प्रणाली है वो सब हम उसको फॉलो करते हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे और कोई हो, हम सब उसके हिसाब से चलते हैं। ना कोई इस तरह की कहीं ये लगती किसी सरकार का चुनाव आयोग पर दबाव है या नहीं है, बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से एक प्रकार से चुनाव होते हैं। जिस तरह से दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई और ED की कार्रवाई हुई है, आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, केजरीवाल ने का जो क्रयाधिरा था उसके आगे आया है, उसके तहत उसकी गिरफ्तारियाँ हुई हैं। शराब घोटाले में जो उन्होंने पॉलिसी बनाई, उस पॉलिसी के तहत उसने अपने नज़दीकियों को, अपने रिश्तेदारों को और अपने मंत्रियों को जो लाभ पहुँचाने का काम किया, ये उसी का नतीजा, उसी का परिणाम है। अगले हफ्ते जो केजरीवाल जेल से मंत्रियों के साथ एक बैठक करेंगे, क्या आपकी सरकार अब जेल से चलेगी?
ना देखिए वो उनके मन में इस तरह की भ्रांति है, तो जेल से सरकार चलाएंगे, लोकतंत्र में ऐसा नहीं है। हाँ कुछ लोग उससे मिलने जरूर जाएंगे, तो उसको आप मीटिंग कहिए या सरकार चलाना कहिए, कुछ भी आप उस हिसाब से देख सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।